हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और स्वागत है आपको अनुराधा केयर के एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। कई बार आपने ये सुना होगा कि एक महिला प्रेग्नेंट है फिर भी उसका पीरियड्स हो रहा है, यानी कि ब्लीडिंग हो रहा है। क्या सच में प्रेगनेंसी में पीरियड्स आता है? और आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। सो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अनुराधा केयर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में पीरियड्स नहीं होता है, लेकिन ईयरली प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो सकता है और इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी में पीरियड्स क्यों नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं या फिर कंसीव कर चुके होते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स जैसे कि HCG हार्मोन या फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इसका मात्रा बहुत बढ़ जाता है। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसके मात्रा बढ़ जाने से आपका जो ओवुलेशन वो भी रुक जाता है, और साथ ही साथ आपका यूटेरस में जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो भी दोबारा से बनना शुरू नहीं होता है, तो वो स्प्रेड भी नहीं होता है। इसीलिए पीरियड्स का आना बिल्कुल लगभग ना के बराबर है, यानी कि नामुमकिन है। लेकिन जो ब्लीडिंग्स होता है उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। पहला जो कारण होता है वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग मतलब सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन होने के बाद, यानी कि जब भी आपका अंडा स्पर्म से मिल जाता है, वो एक भ्रूण बनता है या फिर जाइगोट बनता है, वो आकर आपके यूटेरस के दीवार में चिपकता है। जब भी वो चिपकता है वो थोड़ा खुरदता है उस एंडोमेट्रियम लाइनिंग को, तो इस खुरदने की वजह से आपको हल्का स्पॉटिंग या फिर हल्का ब्लीडिंग हो सकता है, जिसे कि हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोल सकते हैं। ये जो ब्लीडिंग है हर महिला को नहीं होता है, लेकिन कई कई महिला को होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी किसी महिलाओं का बच्चेदानी कमज़ोर होते हैं तो उसमें इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, तो इस क्षेत्र में पेट दर्द के साथ साथ हल्का हल्का ब्लीडिंग हो सकता है, तो ये मिसकैरेज का लक्षण हो सकता है। मिसकैरेज अगर हो रहा होता है तो उसका पहला जो साइन होता है वो है आपका ब्लीडिंग होना और साथ ही साथ पेट दर्द होना। तीसरा जो कारण है वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि आपका जो भ्रूण है वो यूटेरस के दीवार में ना चिपक कर फैलोपियन ट्यूब में रुक जाता है, तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसमें भी ब्लीडिंग हो सकता है और साथ ही साथ बहुत तेज पेट दर्द भी हो सकता है। चौथा जो कारण है वो है अगर आप पहले से गर्भ निरोधक गोली ले रहे हैं और हाल ही में गर्भ निरोधक गोली छोड़ चुके थे और आप प्रेग्नेंट बन गए हैं, तो गर्भ निरोधक गोली लेने के कारण आपके शरीर में हार्मोनल का लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसके वजह से भी आपको थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो सकता है। पांचवा जो कारण है वो है गर्भनाल। कभी कभी क्या होता है ना, गर्भनाल आपके जो नीचे की तरफ चिपक जाता है, जिसको कि हम प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं, इस कंडीशन में अगर वो प्रेग्नेंट महिला थोड़ा उठती बैठती है या फिर चलती फिरती है या फिर थोड़ा हैवी काम करती है, तो इस क्षेत्र में भी उसको ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सब कारण होते हैं प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने का। प्रेगनेंसी में पीरियड्स नहीं आता है, जो कि रेगुलरली आपको मंथ बाई मंथ आता है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगा ये जानने में कि प्रेगनेंसी में कभी भी पीरियड्स नहीं आता है, और अगर ब्लीडिंग हो रहा है, किसी भी टाइप का ब्लीडिंग हो रहा है, तो आप बिना देरी किए अपने डॉक्टर से एक बार जरूर मिलिए। सो और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।